हेलो क्लास सेवेंथ, आज हम इस वीडियो में आपकी हनी कॉम इंग्लिश बुक का फर्स्ट लेसन थ्री क्वेश्चंस का हिंदी में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि तुम पढ़ो, बिफोर पहले यू तुम रीड पढ़ो, इससे पहले कि तुम पढ़ो। अ किंग हैज़ थ्री क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग answers to them। एक राजा के तीन प्रश्न थे, तीन questions प्रश्न थे, और he is वह seeking तलाश कर रहा था answers उत्तरों की, to them उनके, और वह उनके उत्तरों की तलाश कर रहा है, is है। What are the questions, क्या हैं प्रश्न। Does the king get what he wants? Does the king get, क्या राजा प्राप्त करता है, what he wants, जो वो चाहता है। The thought came to a certain king that he would never fail. तो थॉट विचार केम आता है किसी सर्टेन किंग, किसी सर्टेन निश्चित या किसी राजा के, दैट की ही वुड नेवर फेल, वह नेवर कभी नहीं फेल असफल होगा। इफ़ यदि ही न्यू, वह जाने थ्री थिंग्स, तीन बातों को जान ले। दीज थ्री थिंग्स वर, दीज ये तीन बातें थी। वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वट इज़ द राइट, क्या है राइट सही टाइम, समय टू बिगिन शुरू करने का समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, विच पीपल किन लोगों को शुड चाहिए ही उसे लिसन सुनना, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do? What is, क्या है most important, सबसे important, महत्वपूर्ण thing, बात, for लिए, him उसके, to do करने को, तो उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो राजा ने therefore इसलिए सेंट भेजे messengers संदेशवाहक throughout पूरे his kingdom उसके राज्य में, पूरे उसके राज्य में उसने अपने संदेशवाहक भेजे promising वादा करते हुए a large sum एक बड़ी राशि का of money पैसे की एक बड़ी राशि का वादा करते हुए टू एनी वन किसी को भी हु वुड आंसर जो उत्तर देगा वुड लगाया तो देगा दीज थ्री क्वेश्चंस इन तीन प्रश्नों को। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए किंग राजा केम आए बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली लेकिन दे ऑल वो सब उन सब ने आंसर उत्तर दिए उसके प्रश्नों का डिफरेंटली अलग ढंग से अलग अलग तरह से उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन इन रिप्लाई रिप्लाई उत्तर उत्तर में उसके पहले क्वेश्चन प्रश्न के सम सेड किसी ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल कि राजा को मस्ट चाहिए प्रिपेयर तैयार करना एक समय सारणी टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट और फिर फॉलो अनुसरण करना चाहिए इट उसका स्ट्रिक्टली बहुत सख्ती से। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम ओनली इन दिस वे केवल इस तरह से वे तरह से दे सेड उन्होंने कहा कुड ही डू वह कर सकता है एवरीथिंग सब कुछ इट्स अपने प्रॉपर टाइम निश्चित समय पर। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस तो अदर्स दूसरों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल असंभव था
टू डिसाइड, निश्चित करना इन एडवांस, पहले से ही, द राइट टाइम, सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग, डूइंग करने को, समथिंग किसी चीज़ को करने के लिए एडवांस पहले से ही सही समय निश्चित करना असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को शुड चाहिए नोटिस, ध्यान देना या नज़र में रखना चाहिए सारी बातों को जो कि चल रही है। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना चाहिए बेवकूफ़ी भरी खुशियों को, मूर्खता भरी खुशियों को एक किनारे करना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और ऑलवेज हमेशा डू करना वट एवर जो कुछ भी सीम्ड दिखता हो नेसेसरी आवश्यक एट दैट टाइम उस समय पर जो आवश्यक दिखता हो उसको करना चाहिए। येट अदर्स सेड, जबकि दूसरों ने कहा कि द किंग नीडेड, राजा को आवश्यकता थी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्तियों की समिति, काउंसिल समिति की, हु वुड हेल्प मी हिम, जो उसकी मदद करें, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय को एक्ट कार्यान्वित करने में उसकी मदद करें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, दिस वॉज ऐसा था क्योंकि एक आदमी कुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी जो है वो असंभव पाएगा टू डिसाइड निश्चय करना करेक्टली सही ढंग से निश्चय करना असंभव पाएगा विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना हेल्प दूसरों की, सॉरी विदाउट बिना हेल्प मदद फ्रॉम अदर्स, दूसरों से बिना मदद के सही ढंग से निश्चय करने में असंभव होगा या संभवता पाएगा। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो राइट टाइम सही समय, एवरी एक्शन प्रत्येक कार्य के लिए सही समय को दूसरों की मदद के बिना सही ढंग से निश्चय करने में असंभव होगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बट लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि देयर वर वहाँ कुछ बातें होती हैं जो कि अर्जेंट बिल्कुल बहुत ही आवश्यक हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, तो दीज थिंग्स ये बातें कुड नॉट वेट, वेट मीन्स इंतज़ार, कुड नॉट नहीं कर सकती फॉर द डिसीजन निर्णय के लिए ऑफ द काउंसिल, समिति के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, तो इन ऑर्डर क्रम में टू डिसाइड द राइट टाइम, तो डिसाइड निश्चय करने के लिए राइट टाइम सही समय, फॉर डूइंग समथिंग डूइंग करने के लिए समथिंग किसी चीज़ को, किसी चीज़ को सही समय पर निश्चय करने के क्रम में इट इज़ नेसेसरी यह आवश्यक है टू लुक देखना इन टू द फ्यूचर भविष्य में देखना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल मैजिशियंस जादूगर कुड डू कर सकते हैं दैट वैसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो राजा को इसलिए जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, इन दियर आंसर्स उनके दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेट, किसी ने कुछ ने कहा कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कि लोग जो हैं वो
राजा के लिए सबसे ज़रूरी हैं, नेसेसरी आवश्यक हैं। वर हिज काउंसलर, तो वो कौन थे? उसके सलाहकार। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, दूसरों ने कहा कौन? पुजारी, पुजारियों को बताया। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और अ फ्यू, कुछ अदर्स दूसरों ने चुना डॉक्टर्स, डॉक्टरों को। एंड येट अदर्स सेड, और फिर दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स, कि उसके सिपाही वर थे मोस्ट नेसेसरी, सबसे ज़्यादा आवश्यक बताए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अब तीसरे प्रश्न के लिए सम सेड, किसी कुछ ने कहा विज्ञान। अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने किसको चुना? फाइटिंग, लड़ाई को, युद्ध को। एंड येट अदर्स, जबकि दूसरों ने रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ को चुना। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि जो उत्तर थे उसके प्रश्नों के बहुत डिफरेंट, अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और गेव दिया नो रिवॉर्ड, कोई इनाम नहीं दिया। इनस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक, तलाश करने का, द एडवाइस, सलाह, ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक खास संत की सलाह को देखने का या तलाश करने का निश्चय किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि वाइडली चारों ओर या पूरी तरह से नोन जाना जाता था, अपनी विजडम, बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो सन्यासी थे वो लिव्ड रहते थे इन ए वुड, जंगल में, विच, जिसे उन्होंने नेवर, कभी नहीं लेफ्ट छोड़ा था। ही सॉ नो वन, वो किसी से नहीं मिलते थे, सॉ माने देखना भी होता है लेकिन यहाँ पर मिलना भी होगा, क्योंकि किसी से नहीं मिलते थे, बल्कि सिंपल पीपल, केवल सादे लोगों से, साधारण लोगों से, सिंपल साधारण लोगों से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और सो इसलिए राजा ने पुट ऑन, पुट ऑन माने पहने, ऑर्डिनरी साधारण क्लोथ्स, कपड़े। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट सट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, तो बिफोर, पहले ही उनके रीच्ड पहुंचने, तो उनके हर्मिट सट, हर्मिट की, सन्यासी की झोपड़ी में पहुंचने से पहले, वह पहुंचते, इससे पहले कि, बिफोर, पहले पहुंचते, राजा ने लेफ्ट छोड़ दिया हिज हॉर्स, अपना घोड़ा, लेफ्ट मीन्स बायां भी होता है, यहाँ पर छोड़ना होगा, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, अंगरक्षकों के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़े अलोन, अकेले। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, अब जैसे ही राजा केम पहुँचे, नियर पास, सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुँचे, ही सॉ, उन्होंने देखा कि हर्मिट, सन्यासी, डिकिंग, खोद रहे हैं द ग्राउंड, ज़मीन को, इन फ्रंट ऑफ, के इन फ्रंट, सामने, हिज हट, तो अपनी झोपड़ी के सामने वो क्या कर रहे थे, ज़मीन खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने ग्रीटेड, अभिवादन किया किंग, राजा का, एंड कंटिन्यूड, और खोदने में लगे रहे, कंटिन्यूड मतलब करते रहे खुदाई जो थी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली, अब हर्मिट सन्यासी क्या थे, ओल्ड, वीक, बूढ़े और कमज़ोर थे, और जैसे वो काम करते थे, तो जैसे जैसे काम करते थे तो उनकी जो ब्रीथ्ड सांस लेते थे हैविली, बहुत भारी ढंग से। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास वेंट अप, आगे बढ़े, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं कम टू यू, आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, ज्ञानी, विद्वान, संत, टू आस्क यू, टू आस्क, पूछना, पूछने को, यू, आपसे,
टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, तीन प्रश्नों को पूछने के लिए आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. हाउ कैन, कैसे, कैन सकना, आई लर्न, मैं सीख सकता हूँ, कैसे मैं सीख सकता हूँ, टू डू करना, राइट थिंग, सही बात को सही समय पर, राइट टाइम, सही समय पर. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन है वो लोग जिनकी मुझे नीड, आवश्यकता है मोस्ट, सबसे ज़्यादा. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और व्हाट अफेयर्स, क्या बातें हैं, क्या प्रस्ताव आर हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण. द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा ने, सॉरी सन्यासी, हर्मिट सन्यासी ने लिसन सुना टू द किंग राजा को, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन डिड नॉट स्पीक, स्पीक बोलना, डिड नॉट नहीं बोले. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई में लगे रहे, वेंट ऑन मतलब लगे रहे. यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो, टायर्ड मीन्स थके हुआ. सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, लेट मी टेक, मुझे लेने दें स्पेड, फावड़े को, स्पेड फावड़ा, कृपया मुझे फावड़ा लेने दें. एंड वर्क इन योर प्लेस, अब वर्क काम करने दें, यू आर अपनी प्लेस, जगह पर. थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा. गिविंग द किंग हिज स्पीड, गिविंग देते हुए किंग राजा को हिज स्पीड, अपना फावड़ा. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, देन फिर वह, सिट का पास्ट टेंस है, सेट, सेट डाउन, नीचे बैठ गए, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर. व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा ने हैड डग, डग मैंने खोद लिए, टू बेड्स, बेड्स कहते हैं क्यारियाँ, दो क्यारियों को खोद लिया, ही स्टॉप्ड, वह रुके. एंड रिपीटेड, और दोहराया हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को. द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, नो आंसर, कोई उत्तर गेव नहीं दिया. बट स्टूड अप, लेकिन स्टूड अप, खड़े हो गए. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेचिंग आउट, आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों को, फॉर द स्पीड, किसके लिए, फावड़े के लिए, फॉर लिए, स्पीड फावड़े के लिए. एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट, आराम करो. एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड, लेकिन राजा ने उनको, हिम उनको, गिव दिया, डिड नॉट नहीं, स्पीड फावड़ा. एंड कंटिन्यू टू डिग, और डिग खोदना करते रहे, कंटिन्यू लगे रहे. वन आवर पास्ट, देन अनदर, वन आवर, एक घंटा, स्पेलिंग में एच होता है लेकिन बोलते समय आवर बोलते हैं. एक घंटा गुजर गया, देन अनदर, फिर दूसरा. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज वेंट डाउन, डूब गया बिहाइंड, पीछे द ट्रीज, पेड़ों के. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और एट लास्ट, अंत में राजा ने स्टक, गाड़ दिया स्पेड, फावड़े को, इन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर. एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, आई केम टू यू, आई केम, मैं आया हूँ टू यू, आपके पास, वाइज मैन, ज्ञानी जन, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति. फॉर एन आंसर, एक उत्तर के लिए, टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, इफ़ यू, यदि आप, कैन गिव, कैन सकना, गिव देना, मी मुझे, नो नहीं, आंसर उत्तर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, टेल, बताएं मी मुझे, सो ऐसा. एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं रिटर्न, लौटना, विल लगा है तो लौट जाऊंगा, होम, घर. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हियर कम्स समवन रनिंग, कोई यहाँ को रनिंग, दौड़ता हुआ आता है, कोई यहाँ को दौड़ता हुआ आ रहा है. सेड कहा द हर्मिट, सन्यासी ने.